कमरे जी अदरक क्या भाव चल रहा है आज? अदरक 130-140 है। नींबू? नींबू 110-140। लहसुन? 110-140 है। ठीक है, लहसुन और अदरक ये की भाव है? ठीक है। सेठी, आज जो प्याज है अलवर में उसका क्या भाव देखने को मिल रहा है? प्याज का भाव स्थिर हो पड़ा है। प्याज का भाव बड़ी निर्यात खुलने के बाद भी ये नहीं कि मंदी वाड़ा हो पड़ा है, प्याज की बिक्री बहुत शुरू हो पड़ी है, क्योंकि प्याज है बहुत तरीके को बता दिया, उससे बड़ा मार्केट खराब हो पड़ा है। जब तक वो खत्म नहीं हुई ना प्याज, जब तक नासिक वाली प्याज तक गम नहीं है। लहसुन वाली का क्या भाव चल रहा है? 18-19-17 वही पुराना भाव है। तो कह रहा हूँ निर्यात खुलने के बाद भी, दो तीन दिन पहले निर्यात खुला होता है, उसके बाद भी प्याज अब तक नहीं मिल रही। पीली प्याज का भाव है? पीली प्याज तो 10 रुपये से 14 रुपये किलो, 15 रुपये बढ़िया पत्ती होती पूरी जगह, बाकी तो मथानी मथानी 15-16 चाइना 10-12 कुर्सी का 10-12। लेकिन निर्यात से अभी कोई फर्क नहीं पड़ा भाव को लेकर? अभी कुछ है मंदी वाला चल। ठीक है, भाव निर्यात का हुआ ना एक बार, पहले 20 में हुआ था तो अच्छा हुआ भाव, तो भाव ही नहीं बढ़ रहा निर्यात खुलने के बाद। स्टॉक बढ़े हुए हैं इस टाइम, बढ़े खाए घट रही है, नासिक वाली तो घट गई क्या जाने से, नासिक की गाड़ी का कोई वैल्यू नहीं रही, मांगते नहीं ग्राहक को, पता क्या 5-6 रुपये किलो का। क्या बेच रहे हो जी 400 में? टमाटर देसी वाला बढ़िया एक नंबर। तो आपके पास में कहाँ से आ रहा टमाटर? चोमू वाला टमाटर बेच रहे हो 400? ये रोगी माल है। तो पिछले दिनों के मुकाबले भाव कम हुए ज़्यादा हुए? बढ़िया माल का तो रेडी है, सारे हल्के माल तो 250। दोस्तों चलते हैं सब्जी के व्यापारी जोशी जी के पास। जोशी जी के पास में शिमला मिर्च है, टिंडा है और ग्रीन हाउस का खीरा है, इन्हीं का भाव पूछते हैं। जोशी जी से कटहल का भाव पूछते हैं, क्योंकि कटहल है जो भारी मात्रा में लगा हुआ है। तो चलते हैं जोशी जी के पास। जोशी जी नमस्कार। नमस्कार जी भाई। जोशी जी टिंडा भारी मात्रा में लगा हुआ किलो जी भी भाई, और कटहल? कटहल बिक रही है 23-24 रुपये किलो। 23-24 आवक कहाँ से हो रही है? आवक ये उत्तर प्रदेश यूपी से। और जो गाड़ी लगी हुई है खीरे की? ये खीरा बिक रहा है जी 11 रुपये किलो का। 11 रुपये। इसकी आवक कहाँ से हो रही है? ये पानीपत से आ रहा है हरियाणा से। और शिमला मिर्च? शिमला मिर्च पंजाब से आ रही है, शिमला 10 रुपये किलो। ठीक है जी, थैंक यू। खीरा क्या भाव चल रहा है जी? 10 रुपये। ग्रीन हाउस? और ककड़ी? ककड़ी भी 10 रुपये। ये खीरा और ककड़ी दोनों एक भाव है? एक भाव 10 रुपये। और थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है? ठीक है, ठीक है। सेठ जी क्या क्या बेच रहे हो आज? कोला, टिंडा, खीरा। एक बार सभी का भाव बता दीजिए जी। भाव बता दीजिए। भाव कोले का भाव चल रहा है जी 4 रुपये किलो का है, 5-6 रुपये किलो का जी। ये 5 रुपये, ये 4 रुपये। टिंडा बिक रहा है 11-12-13 रुपये किलो। खीरा बिक रहा है 10 रुपये किलो। आज थोड़ा सस्ता देखने को? हाँ जी सस्ता है, ये कंपटीशन है चल रहा है। अच्छा, आपस में देख रहे हैं चारों छोड़ो गाड़ियाँ, आपस में कंपटीशन। ठीक है, जो आपको पसंद है। क्या क्या बेच रहे हो आज? कोला घिया। क्या भाव चल रहा है? कोला 5 रुपये किलो, और घिया 7 रुपये किलो। दोनों सस्ते आइटम है, बहुत सस्ता सस्ता है। ठीक है जी। क्या क्या बेच रहे हो आज? भाई साहब नींबू बेच रहे हैं, कटहल बेच रहे हैं, आलू बेच रहे हैं, टमाटर बेच रहे हैं। एक बार भाव बता दीजिए। बोलिए। नींबू का? नींबू चल रहा है 80 रुपये, 70 रुपये, 75 रुपये। अरबी? अरबी बिक रही है 20-25 किलो लोग। कटहल? कटहल बिक रही है भाई साहब 20 रुपये, 22 रुपये, 23 रुपये। अदरक भी है? अदरक आज बिकी है भाई साहब 100 रुपये से लेके 115 रुपये। अदरक में कुछ तेजी देख रहे हो? अदरक में 2-3 रुपये तेजी है।